जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते वो जमाने। जवाब वो जमाने आका जी वो जमाने में जी ठहर सा ही पे कोरे आने गया के दिल के दस्तरखान तक आसानी से पहुंच जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। वो जमाने आका जी वो जमाने में जी ठहर सा ही बे कोरे आन गया। वो जमाने आका जी वो जमाने में जी ठहर सा ही पे कोरे आन गया। यानी महबूब खुदा ना ही पे रहमान गया। यानी महबूब खुदा ना ही पे रहमान गया। नारे तकबीर, जरा पूरा मन मनारे का जवाब दें। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरते नूर अली नूर साहब कानपुरी दारुल उलूम गरीब नवाज झलुआ हजरते अल्लामा अमीनुद्दीन साहब तबला मिसबाही। बस आपने बता दिया है कि आपका मिजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे घर के लोग हैं, इनके हौसले हमें मिलते हैं तो बड़ी तकवीयत महसूस होती है और अल्लाह का एहसान है। मेरी पहली हाजिरी है, आपकी मोहब्बतें इस तरह से मुझे मिल रही हैं जैसे आपने कई बार मुझे सुन रखा हो। मैं यहाँ से आपके दिल की दहलीज से करीब। वो जमाने आका जी वो जमाने में जिधर साई पे कुरान गया। तीन चीजें जलसों को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। पहला है माइक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा है। दूसरे होते हैं सामईन, और तीसरा जो कामयाबी की तरफ पहुंचाता है वो हमारे घर के लोग हैं, ये उलमाए किराम हैं। ये इतनी बेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे। जरा एक बार सब लोग कह दो या रसूल अल्लाह। वो जमाने आका जी वो जमाने अकल तैयार है तो इश्क की हद मांगुन से। अकल तैयार है तो इश्क की हद मांगुन से हो जो ताज़ीम के कायल
मागुल से रोजे उठाकर कलामे आला हजरत का इस्तकबाल, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत दारुल उलूम करीम नवाज जलवा जश्ने दस्तारे आलमियत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने अमीने मिल्लत आस्ताना बैतुल अनवार नूर अली नूर कानपुरी माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलामों की ख्वाहिश क्या होती है, मेरे इमाम ने जब लिखना चाहा ना तो किस तरह से लिखा है पेश कर रहा हूँ। मुलायदा फरमा ले, ना हसद दिल में रखा और ना लिया पैर से काम, ना हसद दिल में रखा और ना लिया पैर से काम, शर से मतलब रहाया निलिया खैर से काम, शर से मतलब रहाया निलिया खैर से काम, क्यों भाई जिंदाबाद। दुनिया से मुसलमान गया निभा रहे कलामे आला जिंदाबाद माशाल्लाह। दुनिया हाय हाय हाय, हिंदुस्तान की एक बड़ी अच्छी आवाज मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा पीएचडी पूर्णिया बिहार की आमद, पूरा मजमा इस्तकबाल, खड़े हो जाएं खड़े हो जाएं खड़े हो जाएं, अपने मेहमान आलिम का इस्तकबाल, नाइबी रसूल का इस्तकबाल, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत आस्ताना बैतुल अनवार हुजूर अमीने मिल्लत डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला, हिंदुस्तान के एक अजीम अमीन खतीब की आमद हो रही है, जिनको सुनने के बाद एहसास होगा इस्लामी मिजाज इस्लामी नशरियात क्या पैगाम देता है, वो खूबसूरत तरीके से अपने जुमलों में बयान करेंगे। जो लोग खाड़े खड़े हैं सामने रास्ते में, बार बार मैं एक बात बोलूँ, मेरे कान में लोग बार बार बोलते हैं उन्हें बैठाइए, भैया मेरे पास डंडा लाठी तो है नहीं, प्यार की जुबान है, मैं बोलता हूँ बैठ जाओ, ये जगह इधर खाली है उधर खाली है, क्यों रास्ते में खड़े होते हैं आप, बार बार एक ही बात बोलने में अच्छा नहीं लगता, बैठ जाइए, अच्छे लोग हैं आप, समझदार लोग हैं, अगर हाँ है तब, नहीं है तो खड़े रहिए। माशाल्लाह जरा एक बार कहिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, वो जमाने आका जी वो जमाने। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ और आला हजरत का ये शेर दीवानों के दरमियान जब पढ़ा जाता है तो एक अजीब कैफियत होती है, मैं पेश कर रहा हूँ और पेश करके आपके मिजाज का जायजा करना चाहता हूँ, पेश कर रहा हूँ। ये वो शेर है कि जिसको सुनने के बाद आशिक तो नहीं खामोश रहते, आप अपनी कैफियत बयान कीजिएगा। वो जमाने में जिधर सा
हिबे कुरान गया। जमाल भाई ये शेर देखिए, बहरे ताजीम खड़ा होने की आदत न सही, बहरे ताजीम खड़ा होने की आदत न सही, बारहवीं ते रे यहाँ बजे हे मसरत सही। शेर को बताइएगा आप, बहर ताजी में खड़ा होने की आदत न सही, बारहवीं ते रे यहाँ बजे हे मसरत न सही, घर पे कल माँ पढ़ाने का भी एहसान गया। ये मक्का सुनिए, लेके ईमान के गौहर वो खजीने पहुँचे, चूमने बाबे शफात के वो जीने पहुँचे, कितने अरे या रसूल अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।